यथा देह तथा देव। जैसे हम मानवों का सत्कार करते हैं, वैसे ही भगवान की उपासना करने की परंपरा भारतवर्ष में न जाने कौन से काल से चली आ रही है। वैसे ही ग्रीष्म काल में जब इस सृष्टि के समस्त प्राणी को गर्मी का अनुभव होता है, ठीक वैसे ही हमारे प्राण महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी गर्मी का अनुभव होता है। इसलिए अक्षय तृतीया से महाप्रभु को शीतल उपचार देने का उत्सव चंदन यात्रा की शुरुआत होती है। अक्षय तृतीया के दिन महाप्रभु के सकाल धूप पूजा संपन्न होने के बाद महास्नान पूजा होती है। उसके बाद महाप्रभु जी को सर्वांग में चंदन अर्पण किया जाता है। मनोरम हल्के वस्त्रों से सुसज्जित करके चंदन श्रृंगार महाप्रभु जी का किया जाता है। उसके बाद राज प्रतिनिधि मुदिरस्थ सेवक प्रसाद लागी अर्पण करते हैं और भगवान जी का मध्यान्ह धूप और यात्रा भोग की पूजा अनुष्ठित होती है। उसके बाद महाप्रभु जी के सचल प्रतिमा या उत्सव मूर्ति रामकृष्ण और मदन मोहन सिंहासन पर आते हैं। महाप्रभु जी से आज्ञा माला प्राप्त करने के बाद मणि विमान में श्री मदन मोहन, श्रीदेवी और भूदेवी और पालखी में रामकृष्ण आडंबर पूर्ण समारोह से नरेंद्र सरोवर की ओर यात्रा करते हैं। देखा गो साकी देखा गो राधा माधव चली देखा गो, देखा गो साकी देखा गो राधा माधव चली देखा गो। मणि विमान आसे झोली झोली, मणि विमान आसे झोली झोली, देखा गो साकी देखा गो राधा माधव चली देखा गो। विविध भजन मीर काली, विविध भजन मीर काली, मीर काली से मीर काली, मीर काली से मीर काली, पीछे कले गोपरंग छोड़ी, पीछे कले गोपरंग छोड़ी, देखा गो सखी देखा गो राधा माधव चली देखा गो। इस समय में श्री क्षेत्र के पंच शंकर श्री यमेश्वर, श्री कपाल मोचन, श्री मार्कंडेश्वर, श्री लोकनाथ और श्री नीलकंठ महादेव भी यह शोभा यात्रा में जाकर जल विहार करते हैं। नरेंद्र सरोवर में आगमन के बाद महाप्रभु जी मनोरम नावों पर विराजित होते हैं। सफेद रंग के नाव का नाम नंदा है, लाल रंग के नाव का नाम भद्रा है। नंदा में श्री मदन मोहन के संग श्रीदेवी और भूदेवी विराजते हैं। भद्रा में श्री रामकृष्ण के संग पंच महादेव विराजते हैं। उसके बाद नरेंद्र सरोवर में जल विहार की परंपरा आरंभ होती है। इस समय का दृश्य देखने हेतु नरेंद्र सरोवर में सैकड़ों भक्तों का समागम होता है। आइए अब हम इस यात्रा के महत्ता के बारे में और जानते हैं। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह जी के मनोरम जल विहार का वर्णन होता है। महाभारत में भी पंच पांडव के संग श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के जल यात्रा का भी प्रसंग आता है। यह दो प्रसंगों के स्मृति हेतु यह जल विहार की परंपरा बहुत वर्षों से श्री क्षेत्र में इसे मनाया जाता है। पहले यह जल यात्रा नहीं होती थी। भगवान जी का यह पर्व केवल श्री मंदिर के भीतर ही सीमित था। लगभग 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव के समय यह जल यात्रा की परंपरा आरंभ हुई थी। भगवान जी के जल विहार संपन्न होने के बाद महाप्रभु जी की जल क्रीड़ा नीति अनुष्ठित होती है। यह उत्सव नरेंद्र सरोवर के मंडप में मनाया जाता है। इस समय भगवान जी के दर्शन वर्जित होते हैं। उसके बाद भगवान जी को दिव्य श्रृंगार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान और पकवानों का भोग लगाया जाता है।
भगवान जी को पान का भी भोग लगाया जाता है। यह कार्य संपन्न होने के बाद भगवान जी रात्रि काल में पुनः जल विहार करते हैं। यह जल विहार संपन्न होने के बाद भगवान जी श्री मंदिर को लौट आते हैं। यह जल विहार का उत्सव 21 दिन चलता है। बाकी के 21 दिन श्री मंदिर के भीतर श्री देवी और मदन मोहन जी विशेष दिनों में जल क्रीड़ा करते हैं। कुल मिलाकर चंदन यात्रा 42 दिन की होती है। पहले 21 दिन नौका विहार होती है, इसकी समाप्ति भौरी के दिन होती है। उस दिन महाप्रभु जी के नौका नरेंद्र सरोवर के हर कोने में 7 बार परिक्रमा लगाती है। तो जो व्यक्ति महाप्रभु के इस दिव्य लीला का दर्शन करते हैं, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर महाप्रभु के निकट गमन करते हैं। जय जगन्नाथ। Thank you.